बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। एवन जॉब इन्फॉर्मेशन पर आपको वेलकम करता हूं एक नई जॉब अपडेट के साथ। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न कैबिनेट सेक्रेटरीट की तरफ से अनाउंस की गई बेहतरीन पोस्ट्स, जो कि 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में अनाउंस की गई हैं और बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए ज्वाइन करने की। आपको बताता चलूँ, आप अक्सर कैंडिडेट्स को पता नहीं होगा कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है क्या चीज़। तो आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न एक्चुअली एक फेडरल डिपार्टमेंट है, हकूमत का, गवर्नमेंट का एक ऐसा इदारा होता है जो कि तमाम तर सिविल मैटर्स को डील करता है। यानी कि किसी भी किस्म के जो डिपार्टमेंट्स के, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जो सिविल डिपार्टमेंट हो, उसके किसी भी मैटर को ये डील कर सकता है। तो इसको आप राइट हैंड भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये राइट हैंड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में अनाउंस की गई पोस्ट्स के मुतालिक तमाम तर इंफॉर्मेशन, अप्लाई करने का तरीका और दीगर अहम पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एवन जॉब्स इन्फॉर्मेशन पर नए हैं या आपने अभी तक एवन जॉब्स इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली जॉब अपडेट आप तक बरवक्त पहुँच सके। डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अदरवाइज़ अगर आप गूगल से सर्च करना चाहें तो आप इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो मेंशन है ऊपर लिखा हुआ है वो आप राइट करेंगे तो ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपने इस तरह से स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन करते हुए आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर सबसे नीचे आने के बाद आपको ये नज़र आएगा अपॉर्चुनिटीज़ का, जो पोस्ट आई हुई हैं उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। सबसे नीचे से इस जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ऑप्शन नज़र आएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी डिटेल्स में ऐड ओपन हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ऐड के साथ यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास ओपन हो जाएगा जो कि आपने सबमिट करना है। ये पहले सबसे पहले आपके साथ एडवर्टाइजमेंट को शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1 पर पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट की, बेसिक पे स्केल 14 है और इंटरमीडिएट डिमांड कर रहे हैं और 80 वर्ड शॉर्ट हैंड के और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर जानने वाले बंदों को तरजीह दी जाएगी। मेरिट पर एक सीट है और 18 से 25 साल एज लिमिट, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट बेसिक पे स्किल 12। दूसरे नंबर पर अपर डिवीजन क्लर्क, इसको UDC भी कहते हैं, इसकी भी 2 पोस्टें हैं, इंटरमीडिएट डिमांड कर रहे हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन डिमांड कर रहे हैं और आगे देख लें कि सिंध रूरल से अगर मेंशन है तो सिंध रूरल से ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उन पोस्ट के लिए, और अगर पंजाब से है तो पंजाब के किसी भी ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बलूचिस्तान से है तो बलूचिस्तान के किसी भी ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट भी आगे मैंशन है। इसके बाद 4 नंबर पर डिस्पैच राइडर की पोस्ट है, बेसिक पे स्किल 4 है, प्राइमरी एजुकेशन है, लोकल बेसिस पर तरजीह दी जाएगी और यानी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वालों को, और नायब कासिद ये भी लोकल बेसिस पर, और इनकी असामियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हैं, आप यहाँ पर देख लें। अप्लाई आपने करना है, इसकी लास्ट डेट डियर फ्रेंड 20 जुलाई 2022 है। 20 जुलाई 2022 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका इंतहाई आसान है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है जो कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट के साथ डाउनलोड हो गया है। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर फिल करेंगे, यहाँ पर फ़ोटो ऐड करेंगे, इसके बाद यहाँ पर तमाम जो डिटेल रिक्वायर्ड है वो आप ऐड करेंगे। उसके साथ आप अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स के सेट, डोमिसाइल आईडी कार्ड और तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ आप ऐड करने के बाद इसको भेज देंगे। एड्रेस जो नीचे मेंशन है इस एड्रेस पर आपने भेज देना है। डेट आपको बता चुका हूँ, 20 जुलाई से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट अप्रोच कर जाने चाहिए। किसी भी कोरियर सर्विस के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी किसी भी इनवेलप में अपने डॉक्यूमेंट आप पोस्ट करके भेजें तो इनवेलप के लेफ्ट या राइट साइड पर आप पोस्ट का नाम लिख दिया करें जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हों। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उतने डॉक्यूमेंट्स
आपकी कॉपीज़, उतने फॉर्म और आपके तमाम तरह डॉक्यूमेंट की अलग अलग एक पोस्ट के लिए एक सेट होना चाहिए, याद रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन इस हवाले से समझ आ गई होगी। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बजरे कमेंट सेक्शन आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली जॉब अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपसे इजाज़त चाहूँगा डियर फ्रेंड, अगली जॉब अपडेट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।